लाहौल वैली जा रहा हूँ फॉर मॉम इट्स फर्स्ट टाइम अटल टनल ये देखिए द प्लान्स आर नेवर गोइंग टू होल्ड ऑन ओनली थिंग इज कि चेंज हो जाते हैं में जितना पीस है उतना मनाली वाले रूट में नहीं है बिकॉज वो नेशनल हाईवे स्ट्रगल एक ही है गाइस करंटली जो मेरा पावर बैंक है इट्स डेड आई कांट चार्ज माय फोन क्या चमक आ रही है देख सकते क्लीन बिल्कुल उसके साथ एक एक्स्ट्रा वो नहीं था शायद से कर रहा हूँ बहुत स्लो चार्जिंग है ना करत करत अभ्यास के जड़मती बहुत सुजान आगे मेरे को पता ही था मॉम को पता नहीं से सुन लो सिल्वर ये होता है भाई सेंटर लॉकिंग का फायदा प्लेट में छोड़ देंगे आप नहीं कोशिश करते हैं उसको निपटाते कि ओनर है उनसे अभी हमारी बात हो रही है जोधपुर के हैं वो बेसिकली राजस्थान से जस्ट वेंट टू राजस्थान अभी आपको पता ही है मैंने बाइक राइड करी मंडावा उदयपुर जोधपुर It's 29th मार्च एंड वी आर इन नगर प्लान था मणिकरण जाने का एज आई टोल्ड यू यस्टरडे बट वो प्लान ही क्या जो स्विच ना हो तो ये प्लान भी स्विच हो चुका है एंड वी आर गोइंग लाहौल वैली जा रहा हूँ मैं मॉम को लेके सोलो अटल टनल क्रॉस करेंगे फॉर मॉम इट्स फर्स्ट टाइम व्हेन शी विल सी द अटल टनल मैं तो कई बार जा चुका हूँ देखते हैं क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा आगे जर्नी में सामान जो है वो सारा रैप अप हो चुका है नाउ इसको उठाना है दो फ्लोर नीचे जाना है गाड़ी में डालना है एंड देन वी आर गुड टू गो सो गाइज वी आर स्टेइंग इन सेरी मीनार होम स्टे ये रजत भाई का होम स्टे है इन नगर वैली इफ यू वांट टू विजिट दिस प्लेस और आप यहाँ आके कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो रजत भाई को कॉन्टेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे आइए हैव अ सेफ नाइस एंड कंफर्टेबल स्टे एंड भाई अगर आप बोलेंगे तो थर्ड आई चैनल देख के आप रेफरेंस से यहाँ आए हैं तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिल सकता है मेरी इंग्लिश को क्या हो जाता है अवेल कीजिए हेलो भाई टाइम आ गया ओके मॉम रेडी ये देखिए बैकपैकर मॉम वाओ मॉम बोलते हैं फिलहाल चलते हैं आगे जाना है लाहौल वैली की तरफ मैं कई बार कई चीजें बोलता हूँ वो नहीं हो पाती तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ अपने गांव में द ओनली थिंग इज कि प्लान्स स्विच हो जाते हैं गाइस द प्लान्स आर नेवर गोइंग टू होल्ड ऑन ओनली थिंग इज कि चेंज हो जाते हैं मैंने आपको बोला था फर्स्ट डे पे दैट आई एम गोइंग टू वच मणिकरण एंड हम पहुंच गए नगर की तरफ दिल्ली टू मणिकरण अभी काफी बसेस चल रही है एंड लोकल्स ने भी हमको ये चीज बताई थी नगर वाली जो बेल्ट है यहाँ पे काफी पीस है गाँव का इलाका है एंड शांत इलाका है सबसे बड़ी बात ये है कि कट ऑफ है बाकी शोर शराबे से जस्ट लाइक द प्लेस यू ड्रीम व्हेन यू थिंक अबाउट अ फैमिली ट्रिप थर्ड मनाली जा सकते थे सोलांग वैली जा सकते थे रास्ता था बट एज आई टोल्ड यू कि नगर में जितना पीस है उतना मनाली वाले रूट में नहीं है बिकॉज वो नेशनल हाईवे है विलेज लाइफ ज्यादा है कल्चरल एस्पेक्ट ज्यादा है मनाली वाले रूट में डेवलपमेंट ज्यादा है स्टेज ज्यादा है एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है बट अगर आपको प्योर हिमाचली कल्चर ट्रेडिशन देखना है तो आप नगर की तरफ आइए यहाँ पे ऊपर विलेजेस में जाइए छोटे छोटे विलेजेस हैं भाई तो फिलहाल गाड़ी को ऑन छोड़ा हुआ है वैसे डीजल इतना महंगा हो रहा है बट क्या करें मजबूरी है लाइक मेरा फोन जो है वो डिस्चार्ज हो गया था एंड करेंटली जो मेरा पावर बैंक है इट्स डेड एंड आई कांट चार्ज माय फोन एनी हाउ ऑन रोड ये लास्ट ऑप्शन था कि गाड़ी ऑन करो एंड देन उससे यूएसबी होता है ना प्लग करके कनेक्ट करके किसी तरह से काम चला रहा हूँ फिलहाल विच इज नॉट दैट सक्सेस बिकॉज पावर उतनी नहीं है इसमें जो इसका कनेक्शन है बट स्टिल एनीवे कुछ तो चार्ज होगा डीजल फुक रहा है गाइस थोड़ा दिल पे चोट आती है जब ऐसे पेट्रोल जाता है ना खटाखट बट देयर इज नो अदर ऑप्शन फिलहाल फोन चार्ज करना भी बहुत जरूरी है अपडेट कहां से दूंगा मैं आप लोगों को गाड़ी ऑन है डीजल कम हो चुका है तो अभी रिफिल कराना है अराउंड 4,000-5,000 रुपए का पेट्रोल डलेगा गाड़ी में वी आर गोइंग टू अपर हिमाचल तो भाई कंडीशंस एक्सट्रीम होने वाली हैं कैन टेक एनी चांस ये बेसिक चीजें ये सब कुछ पहले रिफिल वगैरह करके चलेंगे ताकि ऑन द स्पॉट अपन को कोई प्रॉब्लम ना हो फिलहाल गोप्रो माउंट कर दिया गया है गाड़ी में गाड़ी के डैश पे जैसे कि आप ये देख सकते हो कल तक अगर आपको याद होगा तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा धूल थी बट वो सब हम क्लीन कर चुके हैं बहुत ही प्यार से इसको साफ किया है एंड क्या चमक आ रही है देख सकते हो आप क्लीन बिल्कुल अभी तक का एक्सपीरियंस तो बहुत सही है भाई लोग मॉम उनकी तबीयत वगैरह बिल्कुल ठीक है सेकंडली मैं अपनी बात करूं तो मैं मेरा रूटीन थोड़ा टाइट चल रहा है मैं रात के 2-2 बजे तक एडिट कर रहा हूं ट्राइंग टू मेंटेन द डिसिप्लिन और रूटीन से वीडियोस एडिट होती रहे सही टाइम पे अपलोड होती रहे और आप तक कंटेंट पहुंचता रहे भाई इधर पे पीएनबी का एटीएम है द थिंग वाज कि हम पे पेटीएम वेटीएम तो सब था गूगल पे चल रहा था बट व्हाट्स हैपनिंग नाउ हम अभी तक नगर में थे तो नगर में तो इशू नहीं था गूगल पे पेटीएम वगैरह सब चल जाता अभी हम जा रहे हैं अपर हिमाचल की तरफ लाइक लाहौल वैली तो वहां पे थोड़ा एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है तो अपने पास कैश रखना चाहिए फॉर द सिक्योरिटी बस स्ट्रगल एक ही है गाइस कि ये देख सकते हो आप पहाड़ी जो सड़कें होती है ना वहाँ पे कितना टाइट गाड़ी लगानी पड़ती है तो अगर अभी सामने से ट्रक वगैरह आ गया तो क्या पता मेरे को आगे पीछे शिफ्ट भी करना पड़े पहाड़ों में कि अगर आप आ रहे हो फुल एडवेंचर मिलने वाला है आपको ये सिंगल लेन रोड है एंड नीचे ब्यास रिवर के साइड में मनाली नेशनल हाईवे जो है वो डबल लेन है तो इधर आपको सिंगल लेन रोड मिलेगा लेकिन आपको कल्चर मिलेगी उधर आपको डबल लेन रोड मिलेगा डेवलपमेंट ज्यादा मिलेगा दो घाटियां हैं एंड दोनों की अपनी अपनी कुछ स्पेशलिटीज हैं फिलहाल हम भी उसी रूट में जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है लाहौल वैली की तरफ
इधर एक बस आ जाए और उधर से गाड़ी आ जाए तो यू कांट स्टे एट दिस स्पॉट, हमें मूव करके आगे पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। लो जी मॉम का नाम लिया एंड मॉम आ गए हैं बाहर, नाउ वी आर गुड टू गो। क्या हुआ मॉम? मेरा भी चार्जर मॉम पावर बैंक काम नहीं कर रहा, उसके साथ एक एक्स्ट्रा वो नहीं था 3-पिन चार्जर का जो एक्स्ट्रा उसमें पार्ट था, 3-पिन चार्जर के लिए एक अलग से डिवाइस था उसके साथ, वो मैं लाना भूल गया। हाँ शायद से क्योंकि सिर्फ चार्जर है बैग में। एंड फिलहाल अब फोन भी डिस्चार्ज हो चुका है तो अब इससे चार्ज कर रहा हूँ, बहुत स्लो चार्जिंग है ना इसकी, 2% ही हुआ चार्ज अभी तक। फर्स्ट डे व्हेन वी बॉट दिस थार मॉम कह रही थी मैं इसमें चढ़ूंगी कैसे, बट अब हैबिचुअल हो चुकी है उस चीज के, करत करत अभ्यास के। जड़मती होत सुजान आगे मेरे को पता ही था, मॉम को पत्नी से सुन लो। रसरी आवत जात पे सिल पर होत निशान, खत रस्सी घिसते से सिल पर भी निशान बन। चलिए ठीक है बाय। चलो भाई तो गाड़ी को करते हैं सेंटर लॉक फिलहाल एंड अंदर चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, देन वील कंटिन्यू आर राइड टुवर्ड्स लाहौल। ये है रेस्टोरेंट जहाँ पे हम रुके हैं खाने के लिए, लेट्स सी अंदर जाके देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है और करते हैं गाड़ी को बंद। ये होता है भाई सेंटर लॉकिंग का फायदा, ये सब चेंज हो जाएगा इसका रबरिंग वगैरह, तो उसके बाद इसमें जो साउंड क्रिएट हो रही है ना इधर के साइड से वो भी इश्यू खत्म हो जाएगा। बीस्ट तो है ही है। हम जब इधर गढ़वाल में आए थे हमने उदयपुर ही यहाँ का भी नाम रखा, तल्ला उदयपुर, मल्ला उदयपुर। जो इधर के ओनर है उन्होंने प्रॉपर्टी लीज कर लिया, उनसे अभी हमारी बात हो रही है, जोधपुर के हैं वो बेसिकली राजस्थान से, तो हम यही कह रहे थे कितना कलरफुल है राजस्थान। आई जस्ट वेंट टू राजस्थान, अभी आपको पता ही है मैंने बाइक राइड करी है राजस्थान के लिए, तो मैंने बोला लोंगेवाला से लेके आपका अजमेर शरीफ कवर करते हैं फिर वापस जयपुर, जयपुर हाईवे से फिर दिल्ली, ये पूरा सर्किट कवर करा था, मंडावा उदयपुर जोधपुर, ऐसी हमारी बातचीत चल रही। जैसे हम लोग भी हमारे जो पूर्वज थे काफी लोग हमारे गांव में ही कहते हैं कि बेसिकली हम लोग सिंध की तरफ से आए थे जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, हमारा जो कल्चर है ट्रेडिशन है उत्तराखंड में जो नीचे गढ़वाल रीजन में लोग हैं जो हिमाचल में कई लोग, हम लोग बेसिकली सिंध की तरफ से आए थे जो हमारे एंसेस्टर्स थे, राइट मॉम? कई जगहों पे जैसे नीति वैली की तरफ आप जाएंगे ऊपर चमोली से आगे तो उधर भी कई लोग कहते हैं उनके जो पूर्वज थे वो लोग भाला और तलवारों का काम करते थे महाराणा प्रताप जी के टाइम पे। जितनी देर बातें चल रही थी उतनी देर में नूडल्स भी आ चुके हैं भाई एंड मॉम तो स्टार्ट हो चुकी है फुल पावर। मॉम मतलब आप नूडल्स को लेके इतना ज्यादा ओपन कब से हो गए? There was a time when you said that noodles are the worst thing to eat and now you are eating it full power. चलो भाई हम भी करते हैं पेट पूजा क्योंकि हमने भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, एनर्जी चाहिए अभी लाहौल जाना है, ड्राइव जो बंदा कर रहा है उसके बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए ना। ये प्लेट में छोड़ देंगे आप? नहीं कोशिश करते हैं इसको निपटाते हैं, नूडल्स खाना ही नहीं चाहिए। मॉम कह रहे हैं मॉम का पेट भर चुका है, मैंने अभी पालक पनीर मंगाया और रोटी मंगाया, फिर मेरे माइंड में ही आया कि मेरे को तो पहले पता ही था कि भाई जोधपुर के हैं राजस्थान के, तो मैं पहले ही पालक पनीर मंगाया था क्योंकि राजस्थान जब मैं गया था तो भाई क्या खाना था, प्रॉपर ग्रेवी के साथ पालक पनीर और रायता, उनकी दही इतनी बेहतरीन, तड़का मार के वहाँ पे रायता बनाते हैं राजस्थान में। होपफुली अभी पालक पनीर जो हमें मिलने वाला है जबरदस्त तो जबरदस्त। Entombed in my mind, can't seem to break away.